धन्यवाद सभापति महोदय। अभी थोड़ी बात रिप्लाई के बाद क्लेरिफिकेशन ठीक रहेगा। आदरणीय सभापति महोदय, आज जो चर्चा हुई है बिल पर, मैं आभारी हूँ 26 ऐसे माननीय सदस्य जिन्होंने भाग लिया। चर्चा शुरू की श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कांग्रेस से, और समाप्त की वंदना चौहान एनसीपी तक। 26 लोग बोले, कुछ लोग जल्दी में बोले होंगे लेकिन सुझाव बहुत शानदार थे, इसलिए मैं सभी का ही आभार प्रकट करता हूं आपके माध्यम से। चेयरमैन सर, एक 91 में एक एक्ट आया जिसमें एक कमी रह गई थी, अदरवाइज ये हाउस में अभी चर्चा में ही नहीं आता। अब 91 में कैसे कमी रह गई उस विषय में मैं नहीं जाऊंगा। एक एक्ट बनाया क्योंकि आर्टिकल 324 में पार्लियामेंट एक्ट बनाए ये संविधान निर्माताओं ने कहा था, लेकिन गलती रह गई, 91 तक नहीं बना। 91 में बनाया, उसका शीर्षक था द इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991। तो जब कोई PIL में गया तो उन्होंने कहा अपॉइंटमेंट में तो आपने एक्ट ही नहीं बनाया, और संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 3242 में यह कहा था कि पार्लियामेंट के द्वारा इसके अपॉइंटमेंट को प्रक्रिया को लेकर के कानून बनाएंगे। एक लिमिटेड पर्पज के लिए मैं आपके बीच में आज खड़ा हूं। अब जब 91 में इसमें कमी थी तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कानून बनाओ, तो कानून बनाने के समय उन्होंने एक, जब तक कानून नहीं बने तब तक उन्होंने एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया जिसका ये जिक्र कर रहे थे, कमेटी बना दी सुप्रीम कोर्ट ने, और बार बार उसी का ही जिक्र कर रहे थे कि संविधान की आप धज्जियां उड़ा रहे हो, संविधान का कहना, संविधान ने कहा उसको नहीं मानते हो। मैं, आप चूंकि संविधान के ज्ञाता हैं सर, मैं कहता हूं कि आर्टिकल 324 भी संविधान निर्माताओं ने लिखा, जिसमें उन्होंने कहा संसद कानून बनाएगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके लिए, और आर्टिकल 50 भी, चेयरमैन सर मैं आपका ध्यान चाहूंगा, आर्टिकल 50 भी संविधान निर्माताओं ने ही बनाया जिसका पर्पज है सेपरेशन ऑफ पावर। जुडिशरी भी एग्जीक्यूटिव में इंटरफेरेंस नहीं करेगी, एग्जीक्यूटिव भी जुडिशरी में इंटरफेरेंस नहीं करेगी, ये सेपरेशन ऑफ पावर भी तो आर्टिकल 50 है, हम उसके तहत ये बिल लेके आए हैं। नहीं, लेजिस्लेचर में भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी। हाँ, लेजिस्लेचर में भी डिफरेंस नहीं करेगी, बिल्कुल, सब अपना अपना काम करेंगे, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेंगे, लेजिस्लेटर अपना काम करेंगे, जुडिशरी अपना काम करेंगे। ये जो आर्टिकल 50 है ये संविधान निर्माताओं ने तो डाला साहब, तो संविधान से ऊपर कोई नहीं, हम भी मानते हैं। और हमें सुरजेवाला जी ज्ञान दे रहे थे, पता नहीं क्यों दे रहे थे, एक दो तीन उन्होंने कहावतें कही, तो एक कहावत मैं कहूंगा सर। सर आप राजस्थानी हैं, मारवाड़ी जानते हैं, वो बैठे भी होंगे, आप सुरजेवाला जी शायद आपने हिये में कांक्षी नहीं फेरी, हिये में कांक्षी, हिया का मतलब यहाँ हृदय होता है, और उसको आप ऐसे कबीर की भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि आपने अंदर झांक करके नहीं देखा। और अगर अंग्रेजी में बोलूं तो आप जो बोल रहे थे सारी कहावतें वो ठीक नहीं थी, आप दोज हु हैव नॉट इंट्रोस्पेक्टेड देमसेल्फ वो हमें शिक्षा दे रहे हैं। आपने नवीन चावला साहब को कैसे बनाया जी, पता है? MS गिल साहब को कैसे बनाया जी? आइडियोलॉजी सबको पता थी, लेकिन हम उसमें जाना नहीं चाहते। हम आज एक लिमिटेड पर्पज के लिए आपके बीच में हैं। मैं दो चार जो मौलिक प्रश्न आए, जैसे अमर पटनायक साहब ने बहुत मौलिक प्रश्न उठाए, ये मैं कांग से नहीं फेरी, मैंने इतना ही कहा था, हिये मतलब मारवाड़ी में हिये का मतलब हृदय, गोएड गोएड, और कांग से फेरने का मतलब उसमें अगर कोई गड़बड़ है तो निकलती है, मतलब इंट्रोस्पेक्शन करो जैसे कबीर ने कहा, अंदर झांक करके देखो। तीनों ने अंदर झांक के देखा ही नहीं, हमारे ऊपर आरोप लगाने लगे, संविधान को भी नहीं, उन्होंने कहा संविधान से ऊपर कोई नहीं। भाई कोई नहीं, हम भी मानते हैं, आप भी पढ़ लीजिए ना आर्टिकल 50, आप भी पढ़ लीजिए आर्टिकल 324। आपने 91 में कानून में कमी क्यों रखी? मैं फिर बाबा साहब को याद करते कहूंगा, बाबा साहब ने कहा था 25 नवंबर 1949, इन्होंने भी कोट किया, मैं भी कोट करना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि हम इस बात का संकल्प करें कि जो बुराई हमारे मार्ग में है और जिनके कारण जनता के लिए सरकार को जनता द्वारा सरकार से अधिक पसंद करती,
जनता के लिए सरकार को जनता द्वारा सरकार से अधिक पसंद उन बुराइयों को सुलझाने में विलंब नहीं करे। ये बुराई थी साहब, क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस कर कोई भी कर जाता था। अब ये तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है ना साहब, सबको पता है। अच्छा ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री क्यों होना चाहिए। अब इस देश के जनता ने वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमारे संविधान का पहला वाक्य है, और जनता ने प्रधानमंत्री जी को चुना, और प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए सिलेक्शन कमिटी में। साहब ये मेरे समझ में नहीं आता कि ये कैसा आर्गूमेंट कर रहे थे। और एग्जीक्यूटिव फंक्शन में प्रधानमंत्री का कोई रोल ही नहीं है क्या? और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो हमने इसमें सिलेक्शन कमिटी में दिया, उसका तो जिक्र ही नहीं किया जिसने भी बोला। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं साहब, है ऑपोजिशन लीडर इतना कमजोर है, ऐसे करके क्यों निकल कर रहे? मैं आपके माध्यम से दो तीन चीजें कहता हूं साहब। ये लिमिटेड पर्पज के लिए बिल है। 10 अगस्त 2023 को राज्यसभा में बिल इंट्रोड्यूस किया था मैंने। 91 के एक्ट को हम रिप्लेस करके ये बिल लेके आए हैं। अपॉइंटमेंट का इसमें प्रावधान नहीं था, इसलिए अपॉइंटमेंट का प्रावधान इसमें जोड़ा है। और ये 2 मार्च 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, मैंने उसमें यही कहा था। उन्होंने कहा कि जब तक संसद कोई कानून नहीं बनावे तब तक हम ये कमिटी बनाते हैं। तो कानून सुप्रीम कोर्ट के कहने के अनुसार ही लेकर के आ रहे हैं कानून। जो मैं अमर पटनायक साहब ने कहा रिमूवल, सर रिमूवल का प्रावधान जहां तक मैं समझता हूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसी तरीके और उसी ग्राउंड के आधार पर हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लॉज 4 में उस प्रक्रिया का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लॉज 4 में उस प्रक्रिया का वर्णन है जिसके तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रक्रिया का वर्णन दिया हुआ है, वही प्रक्रिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में होगी। जहां तक इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की बात है, वो भी संविधान में लिखा हुआ है सर, आर्टिकल 3-4 में लिखा हुआ है। जहां तक इलेक्शन कमीशन को हटाने की बात है, इसके विषय में संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत क्लॉज 5 के तहत प्रावधान है कि इलेक्शन कमिश्नर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अनुशंसा पर हटाया जा सकता है। ये दोनों चीजें क्लियर है, जो आपको आपने मुद्दा उठाया था इसलिए मैंने इसको जिक्र किया। दूसरा किसी ने कहा साहब ये जो चुनाव नहीं कराते हैं वो चुनाव को क्या जानते हैं साहब। अब साहब मैं भी जिले में जिला कलेक्टर रहा, उस समय तो हमने कोई चुनाव लड़ा ही नहीं, तो क्या हम चुनाव नहीं कराते थे? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं इस चुनाव आयोग की जो कार्य प्रणाली है वो निष्पक्ष है, निष्पक्ष रहेगी। सरकार भी निष्पक्ष रखने के लिए प्रतिबद्ध है। नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में जो जितनी भी संस्थाएं वो निष्पक्ष तरीके से काम करें, इसके लिए हम प्रतिबद्ध है ही साहब, इसमें तो कोई शक ही नहीं है सर। हाँ आप तो, मैंने अभी MS गिल साहब का नाम लिया, मैंने चावला साहब का नाम लिया। अच्छा जिस समय अभी किसी ने जिक्र किया, ठाकुर साहब ने कहा या पता नहीं किसने कहा कि अभी JP होते तो हमारा विरोध करते, मैं स्पष्ट कहता हूं साहब, अगर जयप्रकाश नारायण जिंदा होते ना, नरेंद्र मोदी जी का समर्थन 100% नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करते, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा मनोज झा साहब नरेंद्र मोदी जी का ही समर्थन करते। सर एक ऑफिशियल अमेंडमेंट भी मैं लेकर के आया हूं, जब यह मूल बिल आया था उसमें काफी चीजें आई थी चर्चा में, तो एक सरकार संवेदनशील है इसलिए सोचती है। माननीय मंत्री जी, जी रणदीप सुरजेवाला जी ने हाँ कुछ महत्वपूर्ण संकेत दिए थे, उन पर तो आप सहमति व्यक्त कर सकते हो। इन्होंने खास तौर से 4 फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्शन कमीशन का मैं सहमति प्रकट करता हूँ। हाँ, मतलब ये नहीं, ये निष्पक्षता, निर्भीकता, यस, पारदर्शिता, मुझे याद भी है सर, सुचिता सुचिता। फिर इन्होंने अनुरोध किया था कि इनका संरक्षण कीजिए, बोले इन्होंने ही में कांक्षी नहीं फेरी सर, वो विषय एक ही था। देखिए सर जो ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर के आया हूं, इसमें एक क्लॉज जो 6 था उसमें सर्च कमिटी, उसको थोड़ा हमने चेंज किया है। वो पहले कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में थी, अब वो लॉ मिनिस्ट्री की अध्यक्षता में है और 2 सेक्रेटरी उसके मेंबर हैं। सैलरी का विषय जो कई सदस्यों ने रखा, त्रिची सुहा साहब ने भी रखा सैलरी का विषय, लेकिन ऑफिशियल अमेंडमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर सैलरी का प्रावधान कर दिया गया है। कंडीशन ऑफ सर्विस, ये क्लॉज 15 में हमने एक
ऑफिशियल अमेंडमेंट किया है जिसमें राष्ट्रपति रूल्स को नोटिफाई करके निर्धारित करेंगे, अधिसूचित करेंगे, ये प्रावधान हमने कर दिया है। और एक हमने क्लॉज 15A जोड़ा है, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि एक महबूब नगर में तेलंगाना में एक विषय आ गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर को किसी ट्रायल जज ने नोटिस भिजवा दिया था, तो प्रोटेक्शन से संबंधित एक क्लॉज हमने जोड़ा है 15A में। सीसी या ईसी अपनी ड्यूटी करते समय कोई कार्रवाई संपादित करेंगे, ड्यूटी करते समय सुनवाई या कोई भी आदेश देंगे, तो ऐसे प्रकरणों में उन पर कोई कोर्ट कार्रवाई नहीं कर सकेगा, ये प्रोटेक्शन की बात हमने कही है। मैं दो तीन चीज़ें और कहकर के अपनी बात को समाप्त करने की कोशिश करूंगा क्योंकि आप भी 6 बजे तक कह रहे थे वोटिंग का विषय। एक आपने कहा कि IAC क्यों, माननीय साई सुरजेवाला जी ने कहा था, अब तक तो 47 से तो ये 51 और 2 से तो चुनाव हो ही रहे ना सर, चुनाव आयोग की साख भी बढ़ी है देश में, तो अब तक तो कोई गड़बड़ हुई नहीं ऐसी। और ये कह रहे हैं कि एक हमारे चड्डा साहब कह रहे थे, बैठे हैं शायद, ये कह रहे हैं कि आप तो किसी को ही बना सकते हो, साहब क्वालिफिकेशन दिए हुए आप बिल तो पूरा पढ़ लो, इसमें क्वालिफिकेशन दिए उस क्वालिफिकेशन के अनुसार ही बनेगा, किसी को नहीं बना सकते, सेक्रेटरी रैंक क्वालिफिकेशन दी हुई है तो आपको बिल तो पढ़ ही लेना चाहिए था। जब IAS ज्वाइन करेंगे तब और। दूसरा साहब, मैं ये जो द्वार सरकार साहब ने कुछ मुद्दे उठाए, आपने अच्छी बात कही कि साहब बाढ़ आ गई थी बोट पे भी, नहीं अच्छी बात है बोट पे भी चुनाव की प्रक्रिया, मैं तो राजस्थान का रेगिस्तान का रहने वाला हूं, सब धोरे हैं मेरे यहां तो सैंड ड्यून्स हैं, मैंने देखा हम ऊंट पर बैठ करके वोट देने जाते थे, चुनाव आयोग की इतनी खासियत है कि हमारे जो दूर गांव था उसके लिए ऊंट गाड़ा रखते थे कि ऊंट में बैठ करके वोट देने जाओ, तो ये सब प्रक्रियाएं होती रही है साहब चुनाव आयोग ने, और ऐसे हम ईयर टू ईयर इलेक्शन टू इलेक्शन सीखते आए, और चुनाव आयोग ने अपनी साख भी कमाई है और निष्पक्षता भी बरकरार रखी है। एक विषय जो कहा चड्डा साहब ने, पता नहीं कांग्रेस पार्टी कैसे लेगी मुझे पता नहीं, इन्होंने कहा आप कुछ ऐसे अमेंडमेंट कर लो, मेरे सुझाव मान लो, मैं सारे अपोजिशन को एक कर दूंगा, तो ये क्या खड़गे साहब का रूप धारण करके बोल रहे थे, ये मेरे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे को हो गया था, मैंने कहा क्या विषय था है? आप मेरे सुझाव मान लो, सारे अपोजिशन को मैं एक कर दूंगा, तो आप लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह बोल रहे थे, तो मैंने कहा आपने खड़गे साहब का स्थान ले लिया क्या, मैंने इतना ही कहा, दिस इज अ लाइटर मोमेंट, गो अहेड। अच्छा, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ये कोई जो हम बिल लेकर के आए हैं कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं है सर, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसके तहत ही हम लेके आए हैं, संविधान के आर्टिकल 3242 में जो प्रावधान है उसके तहत ही लेके आए हैं, सेपरेशन ऑफ पावर जो आर्टिकल 50 में है संविधान में लिखा हुआ है उसके तहत ही लेके आए हैं, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास करें, ये बहुत प्रोग्रेसिव लॉ है। थैंक यू सर।